आज की वीडियो मैं फिर से क्लास 9 के मैथ में लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि क्लास 9 का मैथ खत्म हो गया तो 8 में मैं दोबारा क्यों आ गया हूँ। मैंने सोचा कि मैं फिर आपको शुरू से रिपीट करवा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसलिए 1.1 पे तो कुछ नहीं था, इसलिए मैं 1.2 से शुरू करवा रहा हूँ। तो पहले आप क्वेश्चन, आपको पता है मैं क्वेश्चन पहले से लेके रख लेता हूँ, तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको बुक से पहले पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। वन, पहले आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। इसका ये मतलब है कि जो नेगेटिव में वैल्यू है वो पॉजिटिव में होनी थी, जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में। अभी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। माइनस 3 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, और ये जो माइनस 3 है प्लस 3 हो जाएगा, जो प्लस 2 है वो माइनस 2 हो जाएगा। ये ऐसे है कि जो माइनस 3 है इसके साथ माइनस है, लेकिन ये प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें वो कोई नहीं है कि आपके कि माइनस हम लगाना ज़रूरी है, लेकिन आप प्लस लगाए या ना लगाए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन माइनस मस्ट आपने लगाना है। फिर प्लस 2 था तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब ये प्लस 3 था, माइनस 3 से प्लस 3 हुआ, क्या था प्लस लगाए या ना लगाए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्लस 2 से जो माइनस 2 है ना, इसके साथ आपने माइनस जरूर लगाना है। फिर माइनस 4 है तो ये 4+4 हो जाएगा। फिर ये -5 है तो +5 है तो ये -5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये हमारा आंसर है। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उसमें देखे एक डिजिट -1 हो जाएगा, ये जो +1 है -1 हो जाएगा, -5 +5 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, और -3 +3 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए। तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।